शिक्षक और जज महोदया, मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा जादू भरा नमस्कार। मेरा नाम है अद्विकरण चंदोवाल। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ कहानियों की जादुई दुनिया में। जी हाँ, सिंड्रेला की कहानी आप सबने सुनी ही होगी, पर मेरी सिंड्रेला की कहानी थोड़ी सी हटकर है। एक बार की बात है, एक लड़की थी, उसका नाम था सिंड्रेला। उसका दिल बहुत ही अच्छा और सच्चा था। वो सबकी मदद करती थी, पर उसकी सौतेली माँ बहने सिंड्रेला से बहुत काम करवाती थी। सिंड्रेला, मेरा खाना खाए, अभी लाती हूँ माँ। सिंड्रेला, आपने मेरी जूते पॉलिश करे, अभी करती हूँ माँ। सिंड्रेला, घर कितना गंदा, ये कौन साफ करेगा? मैं करती हूँ। वो सारा दिन काम करती है और उसे पास खेलने का टाइम भी नहीं मिलता है। बच्चों के लिए खेलना भी जरूरी होता है। एक दिन राजा ने महल में सबके लिए एक शानदार सा पार्टी रखी। उनमें स्वादिष्ट खाना थे और केक, कैंडी, लॉलीपॉप सब कुछ थी। सिंड्रेला ने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे भी पार्टी में जाना है। माँ ने बोला, तुम्हारे पास एक ही ड्रेस है, वो भी गंदी है, तुम कैसे जा सकती हो? फिर सिंड्रेला उदास हो गई। तभी वहाँ पर एक परी माँ आती है और उसे पूछते, तुम क्यों रो रही हो मेरी प्यारी बच्ची? सिंड्रेला ने कहा, मुझे पार्टी में जाना है और मेरे पास अच्छी साफ कपड़े नहीं है। फिर परी माँ ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सिंड्रेला की पुरानी ड्रेस पार्टी गाउन में बदल गई और परी माँ ने सिंड्रेला के लिए एक नई कार मंगाई और सिंड्रेला को दिए आरामदायक मुलायम जूते, जिसको पहनकर सिंड्रेला पार्टी में चली गई। राजकुमार ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? सिंड्रेला ने कहा, जरूर। तभी महल की घड़ी ने 12 बजा दी और एक जादू हुआ। इस बारे का अलग जादू हुआ, सिंड्रेला की नई ड्रेस पुरानी नहीं।